हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच मऊ ज़िले के एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर लेकर के आ चुके हैं, जिस मंदिर का नाम है शीतला माता मंदिर, जो कि मऊ ज़िले में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो मऊ जंक्शन है वहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज हम खुद तो दर्शन करेंगे ही, साथ में आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख पा रहे हैं मंदिर के बाहर का व्यू, और हम आपको दिखाते हैं प्रवेश द्वार। ये रहा मंदिर के प्रवेश द्वार, चलते हैं, आपको अंदर से प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर का। तो फ्रेंड्स, सामने ये आप मंदिर देख पा रहे हैं, चलते हैं अंदर। आपने पैर के जो सूज हैं उनको निकालते हैं और अंदर चलकर दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप मंदिर देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चलते हैं, आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। ये यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये सामने दान पेटिका है, आप चाहे तो यहाँ पर दान भी दे सकते हैं। और अलग से यहाँ पर शिव जी की मूर्ति भी बनाई गई है यहाँ पर सामने। काफी प्यारा मंदिर है। और सामने आप देख पा रहे हैं मोर बनाया गया है, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और सामने यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ पर रंगोली देख पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और भी मंदिरें आपको दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है।
और ये यहाँ पर छोटा छोटा गार्डन बनाया गया जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। चलते हैं, और भी मंदिरें हैं, आपको एक एक मंदिर का दर्शन करवाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं जो काफ़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बनाए गए हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये आप सामने देख पा रहे हैं, भगवान विश्वकर्मा जी का मूर्ति बनाया गया यहाँ पर। और यहाँ पर सामने दुर्गा जी का मंदिर बनाया गया है, सामने आप देख पा रहे दुर्गा जी माता। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है। अब हम आगे चलते हैं और भी चीजें आपको दिखाते हैं और क्या क्या मंदिरें यहाँ पर बने हैं। और यहाँ सामने पूजा की सामग्रियाँ सारी मिल रही हैं, आप चाहे तो यहाँ पर सामग्री लेकर दर्शन कर सकते हैं। और सामने यहाँ पर जो मंदिर बना है, यहाँ पर भीम जी लेटे हुए अवस्था में हैं। चलते हैं, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है और सामने भीम जी हैं लेटे हुए अवस्था में। और ये भी एक सामने मंदिर है, दिखाते हैं आपको नजदीक से। यहाँ पर हवन कुंड बनाया गया है जहाँ पर संकल्प लिए जाते हैं, जो अपनी मान्यता माने रहते हैं यहाँ पर हवन कुंड किया जाता है। ये दान पेटिका है, आप चाहे तो यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। और सामने यहाँ पर भी सामग्रियाँ मिल रही हैं पूजा की। और सामने वहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा की सामग्री से लेकर जो घरों में सामान यूज किए जाते हैं वहाँ की सारी सामान यहाँ पर मिलती भी हैं, और खिलौने भी यहाँ पर बच्चों के लिए बेची जा रही हैं। ये आप देख पा रहे बच्चों के खिलौने से लेकर सारी सामग्रियां हैं यहाँ पर, और जो घरों में यूज कर लिया जाता है नॉर्मली वो सारे चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये आप बच्चों के खिलौने देख पा रहे हैं। और ये यहाँ पर गुदना गुदाया जाता है, ये टैटू यहाँ पर गुदाया जाता है।
ये आप सामान देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारे चीज़ें जो घरों में यूज किए जाते हैं वो सारे सामान यहाँ पर बिक रहे हैं। ये चौका है, बेलना है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर चौका बेलना बनाया गया है। सारी चीजें हैं और यहाँ पर पूजा की सामग्री से रिलेटिव सारी चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पे कंगना है और रुद्राक्ष भी है, सारा सब कुछ है। और यहाँ किनारे पर एक नदी टाइप बनाया गया है जो देखने में काफी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं इसके अंदर। चलते हैं, आपको मछलियाँ दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य। चारों तरफ किनारे किनारे सजी हुई हैं पेड़ों से। चलते हैं नजदीक से, आपको दिखाते हैं मछलियाँ किस प्रकार देखने में लग रही हैं। तो हम मछलियों के पास आ चुके हैं, यहाँ पर मछलियाँ हैं, दिखाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये आप मछली देख पा रहे हैं कितनी बड़ी मछली है। कम से कम 4 से 5 किलो की होगी ये मछली। आप देख पा रहे कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और सामने यहाँ पर छोटा सा ग्राउंड बनाया गया है जहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पोखरे के जस्ट साइड में एक ग्राउंड बनाया गया है जहाँ पर क्रिकेट लोग खेल रहे हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आप ग्राउंड देख पा रहे हैं, काफी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।